बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, लेकिन बजाय जोश जगाने के आज डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने जो बैटिंग की उसने होश उड़ा दिए। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की और मुकम्मल तौर से हावी नज़र आए पाकिस्तानी बॉलर्स पर। अगर कैच पकड़ लिया जाता डेविड वार्नर का, जिनका उस वक्त इंफरादी स्कोर 10 रन था और ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर 22 रन था, तो नक्शा कुछ और होता। लेकिन क्रिकेट का खेल है, इसमें कैचेस पकड़े भी जाते हैं, ड्रॉप भी होते हैं, और आज 259 रन की इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने एक बड़े स्कोर की बुनियाद रखी। 362 रन ऑस्ट्रेलिया बनाने में कामयाब हुआ। एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 450 रन बना लेगी, लेकिन आखिर में शाहीन शाह आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 362 रन तक महदूद हो गई। और जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने भी थोड़ा जमकर डटकर मुकाबला किया। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान और फिर सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद ने भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली एक छोटी सी मुख्तसर, और कप्तान बाबर आजम जो थे वो सिर्फ 18 रन बना सके। लेकिन कप्तानी का क्रेडिट देना होगा पैट कमिंस को, कि जिन्होंने ऐसी चेंजेस की जिसकी वजह से आज ऑस्ट्रेलियाई टीम फतह से हमकिनार हुई। एडम जम्पा को एक ऐसे मौके पर बॉलिंग के लिए लेकर आए कि जब उनको पता था कि यहाँ पर पाकिस्तानी बैट्समैन गलतियाँ करेंगे, दबाव बढ़ रहा था, वरना जब तक सऊद शकील और रिजवान क्रीज पर मौजूद थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस हदफ तक पहुँच जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर, ये क्या हो गया आज? हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा जिस तरीके से। नहीं हो रहा ना। और तकलीफ भी है, उसकी काफ़ी वजूहत हैं। सबसे पहले तो हमने जो बात की कि पाकिस्तान की कंडीशन है कि जो टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है हम उसको फॉर्म में लेके आते हैं, आज हो गया। और वार्नर को भी ले आए हम फॉर्म, हम सबको फॉर्म में ले आए। उसके बाद हमने बारहा जिक्र किया हारिस रऊफ का कि पे सारा कुछ नहीं होती, आपने बैट्समैन को सेटअप करना आउट करने के लिए, हर गेंद पे जोर लगाना जरूरी नहीं है। और जब उन्होंने आउट किए तो स्लोर वन के ऊपर, जब बैट्समैन को उन्होंने थोड़ा सा ट्रबल किया तो स्लोर वन मार रहे थे। हारिस रऊफ की हमने बात की, उनका एक्शन इस तरह का है कि जब वो बॉल करते हैं या तो ऑफ स्टंप के बाहर है तो या उनका गेंद स्लांट होता है टुवर्ड्स लेग स्टंप, वो एंगल बड़े आराम से ऑन साइड पे वर्क हो जाता है। शाज़र नाज़र इनका गेंद बीच में आता है, छोटे प्लेयर जो हैं वो पेस के ऊपर डर जाते हैं, बड़े प्लेयर नहीं। देखिए हमारा एक पाकिस्तान में कल्चर था, सभी को भी याद होगा कि पेस। और बड़ा तेज है, जिगड़ा लो। वो टाइम और थे, वो टाइम वो थे जब रिवर्स स्विंग जो होती थी और इतने ज्यादा कैमराज नहीं था, ठीक है, वहां पे चलता था। अब 28 से ज्यादा कैमरे, अब जितनी पेस होगी अगला तगड़ा बैट्समैन होगा उतनी कुट लगाएगा अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं। आज यही हुआ, आज हम अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, हमने ये बात की और आज आपको पता लगा। और यही लोग जो अभी बैठे हुए हैं और ये पहले जब कमेंट्री कर रहे हैं या टीमों के साथ होते थे, इनको जो है वो दुनिया का पता नहीं क्या बनाया हुआ था। प्लेयर को मैं अभी भी कुछ नहीं कहूंगा, प्लेयर को गाइडेंस ही नहीं मिली बिल्कुल, ये डेवलपिंग हो सके। हाँ। फिर उसामा मीर की तरफ आ जाते हैं, आज खेले, एक लंबा लेग स्पिनर है, जब वो फ्लाइट करेगा बॉल तो वो मुंह में आएगा, मुझे समझ नहीं आ रही किसने कहा इसको फ्लाइट करने का। हाँ, अगर आप उसको ये कहते कि थोड़ा सा स्लो गेन करना है, तेज नहीं करना, तो वो समझ आता। वो बल्ले पर आ रही थी तेज, फ्लाइट कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की। सही, बॉलिंग बुरी नहीं की, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, रन उनको पड़े कोई नहीं। फिर हम लोग बारहा ये कहते रहे शाहीन शाह अफरीदी को खिंचा हुआ गेंद करना है, आगे नहीं फेंकना। पहले दो ओवर में उन्होंने आगे फेंका, उसके बाद उन्होंने एडजस्ट किया, उसका फायदा हुआ। फिर गंगुली ने एक बात की थी जिसका हमने कल डिस्कशन किया कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कम बैक नहीं करा सकती। आज पाकिस्तान की बैटिंग ने दिखाया वो कर सकते थे, टॉस जीत के जो आज फैसला हुआ वो सही नहीं था। हम दो दिन से कह रहे हैं रन्स ऑन द बोर्ड, और ये टीम चेज करते दो दफा चेज करते हुए फंसी है। आप दोनों का 100 निकाल लें, तो कुछ नहीं बचा, स्कोर कार्ड देख लें आप। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। रेस्टा केस समी, कैसे आप देखते हैं आज जिस तरीके से बॉलिंग हुई, उस बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? जो शुरू में उन्होंने बिल्कुल हिप्नोटाइज कर दिया,
इत्मीनान के साथ स्ट्रोक्स खेल रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था कि ये पाकिस्तान का पेस अटैक है, ये पाकिस्तान की वो बॉलिंग है जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आज तो एक्सपोज हो गए। जी हाँ बिल्कुल, देखें अपार्ट फ्रॉम शाइन उन्होंने आज एक कमबैक किया, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर आप बाकी देखें स्पेशली हारिस रूफ देखें, देखें हम यहाँ काफ़ी दिन से यही बात कर रहे हैं कि एंगल क्रिएट करना है, फिर आपने स्टंप में रहना है और थोड़ा सा लेंथ को, और आमिर जो कह रहे थे समी कथा कलामी जो कि मिचेल मार्श आते ही स्ट्रोक्स खेलेगा, और क्या उसने बैटिंग की आज, कमाल की बैटिंग। जी हाँ बिल्कुल, देखें हमारे उनका गेम प्लान हमारे सामने था, लेकिन तो हमारा भी तो कोई गेम प्लान होना चाहिए था ना, एज अ बॉलर एज अ बॉलिंग यूनिट हमें अपना गेम प्लान नहीं नज़र आया कि हमने कहाँ उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। देखें ये क्रिकेट ऐसी है कि अगर बैट्समैन अगर अग्रेसिव हो रहा है तो आपको डिफेंसिव लाइन लेंथ पर आना है, आपका माइंड सेट फ़ौरन चेंज होना है कि आपने डॉट बॉल की तरफ आना है, ये नहीं कि आप जोर लगा जाए विकेट के चक्कर में और चारों तरफ बॉलिंग करें। देखें इस विकेट पर ईजी है मुँह का बॉल और जहाँ आपके हाथों को एक्सटेंशन मिलेगी ये बॉल ईजी है, और ज़्यादातर हम यही बॉल करते हुए नज़र आए, तो ये देखें ये यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी इतना टीम मैनेजमेंट है, बॉलर बॉलिंग खुद है, कप्तानी के लिहाज से चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस दुरुस्त थी मेरे ख्याल में। देखें आज काफ़ी डिबेटेबल है इसके, सबसे पहले तो देखें टॉस पे नवाज को क्यों आप बाद में लेकर आए, 20 ओवर के बाद नवाज को लेकर आए, देखें कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधी सीधी बात है, फिर क्या करें, शताब पे भी नहीं है कॉन्फिडेंस जो आज इनको ड्रॉप किया भाई, मतलब ये तो बिठा लेना फिर ये कप्तान और जो आपका चीफ सेलेक्टर है नीचे बिठाए ना कि भाई तुमने किया क्या है भाई, 20 ओवर हो गए और देखें, सॉरी समय आप बात कर रहे थे, बस मैं यही कह सॉरी मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें इतने सारे प्लेयर अभी आउट ऑफ फॉर्म है कि कहीं ना कहीं किसी को तो खिलाना है, हमारे पास 15 ही है जिनमें से 11 खिलाना है। नहीं बात यह है कि आप इंडिया के खिलाफ जहां पे विकेट टर्न कर रहा था, ग्रिप कर रहा था, वहां पे इफ्तिखार बॉल नहीं करता, ठीक है, आज इफ्तिखार जब सबको मार पड़ी है वो बॉल कर रहा है, और जो आपका फ्रंट लाइन जिस आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाया हुआ है वो बॉल ही नहीं कर रहा, अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं तो उसको घर भेजो यार, टीम में क्यों नहीं रखा, क्यों क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने, और जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है और ये परफॉर्मेंसेज आपको नजर आ रही, बिल्कुल कितने अरसे से वो टीम के साथ है आपको नजर आ रही थी फिर भी सिलेक्ट किया है, इनको तो बिठा के पूछना चाहिए यार तुम्हारी क्रिकेटिंग नॉलेज क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है। और देखें हारिस राउत को आप खिलाए जा रहे हैं और वो पेस 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 देख लिया उन्होंने क्या हशर किया, आज नवाज की गेंदों पर जिस तरह से मार लगाई देखें ना, फिर बाद में जब आए तो उसने मार लगाई, एक छक्के के लिए आप खिला रहे हैं, आज मैच जितवाता ना। डेविड वार्नर की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे आमिर, कमाल की बैटिंग, कमाल की बैटिंग, देखिए अच्छे बैट्समैन को एक भी चांस मिल जाए तो उसको पूरी तरह से अवेल करते हैं। आप एक चीज देखें, पहले दो ओवर इनके निकाल के अभी आप दिखा लें, इस तरह लग रहा था कि जो पहला मैच इंटरनेशनल खेल रहा है बंदा, इतने नर्वस इतने नर्वस, फिर उसके बाद आपने उसके बाद जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर बॉलिंग करनी शुरू की। अब मुझे एक बात बताएं, ये डेविड वार्नर दो दफा कवर ड्राइव मारते हुए एज करके आउट हुए, हाँ बिल्कुल, और आपके जो हसन अली है उनको पहला बॉल राउंड विकेट आके करना शुरू करती है, वो स्लिप वाला चांस तो खत्म हो गया, खत्म हो गया सही। ये किसने स्ट्रेटजी बनाई है, ये किसने स्ट्रेटजी बनाई है, आपको बड़ा वैलिड क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये कर क्या रहे हैं। समी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से डेविड वार्नर ने बैटिंग की, चांस तो उसे ज़रूर मिला, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हिप्नोटाइज नहीं कर दिया, जो मैंने शुरू में कहा आउट क्लास कर दिया था, और ये अगर आप इन दोनों के रन्स निकाल दें, 259 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, 362 रन्स की है ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्लानिंग की कमी थी, आप प्रॉपर तरीके से तैयारी के साथ नहीं उतरे, तजर्बात किए जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। जी हाँ बिल्कुल, देखें बात यही है कि प्लानिंग की कमी नज़र आई है। देखें आप अगर ऑस्ट्रेलियन टीम से मैच उठा के देखें, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हार आएंगे, अनलेस कि आप आउट करें, उन्होंने बॉलिंग के खिलाफ जाना था, तो आप क्या प्रिपेयर नहीं थे कि आप अपनी डिफेंसिव लाइन और लेंथ पे, या आप बात करते, देखें थोड़ा काफ़ी ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है ना थोड़ा एक तरीका निकालना होता, अगर विकेट इतना फ्लैट है तो आपने क्या तरीका निकाला। देखें तेज़ बॉलिंग की इन्होंने बात की, विकेट मैं यही कह रहा हूँ शुरू से कि आपको वेरिएशन दिखानी है, इतना बाद में दिखाई शाहीन आफरीदी ने, बाद में दिखाई ना, तो आप शुरू में जब आया नया बॉल आपको देख रहे हो कि इतना अच्छा विकेट पे आ रहा है, तो आप वेरिएशन तो करें स्पीड में, लाइन टू लेंथ में आप वही बॉल किए जा रहे हैं। फिर बात हमने की थी कि इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बॉल किया, देखें कहीं भी आप वोकअप करते हैं एक प्लान बनता है पूरा बॉलिंग कोच के साथ, एनालिस्ट के साथ। वार्नर ऑन पे मारे जा रहा था वो, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं था। हमें सुबह का प्रोग्राम निकालें जरा, जी आपने कहा था, हमने क्या कहा था कि वार्नर का जॉब यह है कि आपने विकेट पे रहना,
मिडल ऑफ द इनिंग्स जब ये लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म आएंगे ना तो आपने इनको डील करना किया उन्होंने। आपको पता लग रहा है कि अगली टीम स्ट्रेटजी क्या करके आएगी, यार ये जो आप जिनको करोड़ों रुपया दे रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। अच्छा एक कैच जो ड्रॉप हुआ जरा देखें दोबारा, समीर आप भी देखें, आमिर आप भी, बड़ा आसान सा कैच था खेलना कहीं चाह रहा था और ये बिल्कुल ईजी कैच था जो कि उसामा मीर से ड्रॉप हुआ। माना कैचेस ड्रॉप होते हैं लेकिन ये तो बहुत आसान कैच था, समीर क्या कहेंगे? या बिल्कुल, देखें जिस तरह डेविड वार्नर ये फॉर्म लेके इस मैच में आए थे तो ये चांस देना उनको, समझ लें आप, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल अटैक शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है जब इंसान को अच्छे चांस मिले, उनको एक चांस भी मिलता है उसको अवेल कर। जी हाँ, और देखें स्टार्ट ऑफ द प्ले उनको बॉलें मिली बाउंड्री बॉल जिसका उन्होंने फायदा उठाया, तो बाद में बीच में अच्छी बॉलों को भी हिट कर गए वो, तो यही था सेट हो गए थे। जी हाँ, तो ये स्टार्ट अच्छा लेना था। हमने शुरू में सुबह भी बात की है कि हमें नए बॉल पर स्ट्राइक करना है बहुत जरूरी है, और अगर हम स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कंटेन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इम्पैक्टफुल प्लेयर है। देखें 60 गज 61 गज की बाउंड्री है, विकेट इतना फ्लैट है, तो उन्होंने बॉलर पर अटैक ही करना है, तो हमें कहीं ना कहीं प्लान ए बी सी कहीं होता है लेकिन हमें नजर नहीं। प्लान की बात कर रहे हैं समी, कोई प्लान नजर कोई है ही नहीं था, कोई है ही नहीं था। देखिए आपको मैंने एक बात की कि वार्नर जो है वो एंगल बॉल को ड्राइव करने जा रहे हैं, दो दफा आउट ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है वो चाहते हैं कि बल्ले के ऊपर गेंद लगे, अब राउंड द विकेट आ गए। अब जब फास्ट बॉलर राइट आर्म फास्ट बॉलर राउंड द विकेट आएगा वो बल्ले में आएगा गेंद, बिल्कुल वो बल्ले में आना गेंद, आप यू प्लेड इन देयर हैंड और फील्डिंग भी बहुत पैथेटिक थी, पैथेटिक कैचेस ड्रॉप की आपने, आप इन दोनों की दो मैचों में इंडिया के अगेंस्ट, और अगर आपने 300 किया है ना चेज करते हुए, अगर आप पहले बैटिंग करते अगर आप 325 भी कर जाते ये कर जाते, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, फिर अंडर प्रेशर होते ना कि एक टारगेट। चलो एक बात थी कि आप टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग करवा रहे हो, अगर ऑस बहुत ज्यादा पड़ी हुई, कोई पड़ी ऑस आज कुछ थी, ये बैटिंग कार्ड देखे आमिर के 163 121, उसके बाद जो है 21 हाईएस्ट है, बल्कि एक्स्ट्राज जो है वो 25 है, आप अंदाजा लगा ले। तो ये समी इस बैटिंग कार्ड को देखते हुए स्मिथ भी फेल हुए, 7 रन बना सके, इंग्लिस ने भी 13 किए, लवोशेन ने भी जो है वो 8 रन बनाए, तो इसका मतलब है कि उनकी बैटिंग तो फिर सिवाय इन दो के अगर इनके रन निकाल दें तो कुछ भी नहीं था फिर। जी हाँ, लेकिन देखें जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की मोरल बिल्कुल डाउन कर दिया था हमारी टीम का, तो आप देखें अगर तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एकदम नीचे हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि हम बस बचना चाह रहे हैं कहीं भी, तो ये बहुत अलमिया है। देखें बात हमने पहले की थी कि देखें 300 रन का विकेट था, ये सिर्फ 50-60 एक्स्ट्रा रन थे जो हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिए और ख़राब बॉलिंग से दिए, अगर कहीं भी ये स्कोर 3 रन आउट के पास था तो हम चेज कर सकते थे, तो ये रियलाइज़ नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना हाइप में गए और एकदम ही हाइट डाउन कर लिया। हालांकि आप एक्सपेक्ट करें इन कंडीशन में बॉलर को मार तो पड़नी है, तो आपने फिर अपना बेस्ट ऑप्शन लेना है, आपके मेरे ख्याल में आपने काम नहीं किया कि आप बेहतरीन ऑप्शन आपका क्या है, आप स्लो बॉल कर रहे हैं 30 ओवर के बाद आपने स्लो बॉलें करनी शुरू की हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि प्लानिंग इस तरह नज़र नहीं आई। और आमिर जिस तरह से हम ऑल आउट हुए हमारे पास, फिर भी अगर 46वें ओवर में हम ऑल आउट हुए तो 4 ओवर और 3 गेंदें फिर भी हमारे पास बाकी थी, तो आप देखें ना कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। कब से कह रहे हैं कि अगर आपके टॉप 6 बैट्समैन नहीं करते ना, बच्चे वाली टीमें जो है ना उनके खिलाफ आपके नीचे वाले बैट्समैन कर जाएंगे, बड़ी टीमें जो है जब आप वो कंट्रोल कर लेती है वो नहीं करने देते। देखे ना आप, देखिए आई डोंट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट नवाज, बट ही डजंट फिट इन, आप उसको खिलाए जा रहे हैं यार। ये विकटे देखे जिस तरह कितना आला कैच लिया उसने, कप्तान पैट कमिंस ने बाबर आजम का, और इस तरह से उन्होंने भी कैचेस ड्रॉप किए लेकिन कैचेस उन्होंने लिए। देखे जो मेजर चीज थी कि बॉलर्स को मार पड़े, हमारे भी बॉलर्स को मार पड़े, लेकिन जो कप्तान ने मेरे ख्याल में जिस तरह मैक्सवेल को यूज किया आज, स्टोनिस को यूज किया जिस तरह आज, और एंड में बड़ा मुश्किल काम होता है लेग स्पिनर को आखिर में रोकना, लेकिन वो एवरेज 9 के ऊपर ले जाके उन्होंने कहा आओ जंपा, और उसने आते ही आउट किए, चार आउट कर गए। देखे बात यह है कि कैप्टन जो है ना ही इज एज गुड एज
हिज टीम। ये जितने भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना बाबर के ऊपर, इनको क्रिकेट का पता नहीं है। जो टीम है और बाबर का इसमें कसूर है कि इस इनके साथ खेलता आ रहा है, और कप्तान जो है वो बताता है टीम को कि भाई आपसे ये रिक्वायरमेंट है, और हमें हम खेले हुए बेस्ट कप्तानों के वो आपको कहते थे भाई ये लिमिटेशन है आपकी, इम्प्रूव करके आओ, इम्प्रूव करके आओ, हम इम्प्रूव करके आते थे। अनफॉर्चुनेटली ना कप्तान को पता है कि हमें बड़े मैचेस में करना क्या है, और ना आपके आपके क्रिकेट बोर्ड को पता बाय द वे। और जो उसके साथ मुंसलिक लोग हैं, आप देखें अभी बैठ के कितना शोर मचा रहे हैं, तुम लोगों ने किया क्या है? सही कह रहे हैं। ना उसामा बॉलर बन सका है, ना शदाब बन सका है, ना फास्ट बॉलर बन सके हैं, ना कोई आउटस्टैंडिंग बैट्समैन आप बना सके हैं। बैठ के आप जो है वो बोले जा रहे हैं। ठीक समी, जिस तरह से आमिर बात कर रहे हैं बिल्कुल सही, एक अंदर से जो बात निकल रही ना कि हम पाकिस्तान, इन्होंने आपने भी पाकिस्तान की सब कैप सजाई है सर पर, आमिर ने भी सजाई है, दुख होता है कि जिस अंदाज से चीजें सही नहीं होती तो लाजमी बात है कि दुख तो होगा ना। जो एक बात करना चाहता, एक रीजन थी जब मैं कह रहा था कि इंडिया नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के ऊपर, आपको दांत दिखाना चाहिए, मुझे पता था कि आपकी टीम इतनी है, आप एंबैरस होंगे इस टीम से। अब एम्बेरस तो हुए हम दो मैचेस में, जिस तरह हम इंडिया से हारे समी, जिस तरह आज हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, और अब हमारे अगले मैच अफगानिस्तान से 23 तारीख को चेन्नई की टर्निंग विकेट पर हम फिर नवाज को खिला लेंगे, आप समझते हैं? देखिए कहीं ना कहीं तो फैसले सख्त करने पड़ेंगे, बात हार जीत की नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से हम खेले बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप देखें बैटिंग की आप बात कर लें, 10 ओवर में हमारे 60 थे, हम चेस कर रहे हैं 360 समथिंग, अगले 10 ओवर में हम सिर्फ 70 रन कर रहे हैं, जब प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, 10 विकेटें बाकी हैं। देखें उनका ओपनर खेले 8-10 ओवर, उन्हें सर्वाइव किया, चांस भी मिला, लेकिन वो अगले 10 ओवर में कहाँ लेगा, टोटल बहुत आगे लेगा। तो क्या हम अपने लिए खेलते हैं कि हम 50-60-70-30-32 कर लिए बस ठीक है? देख अपनी बात नहीं है, यहाँ पूरी प्लानिंग है, पूरी टीम है, बाहर भी कप्तान है, कोचिज है, तो आपको प्लान किया, तो आपको वहाँ हर्ट करना था। जहाँ आप देखेंगे 10 ओवर में 60 है, आपने न्यू बॉल सी ऑफ कर लिया, तो आप गेम में क्यों आने देने किसी को? 8 रन की एवरेज आपको चाहिए, उसको आप बजाय 9 पे ले जा रहे हैं, बैटिंग आपकी पूरी बाकी है। देखें एंड में तो सबने फिर मानना ही है और जाना ही है, तो जब आपके पास 10 विकेटें और आप वो हो तो आपको इंटेंट दिखानी चाहिए थी। आप 20 ओवर में आपके 130 रन है, आपने चांस ही नहीं लिया। देखें 60 गज 61 गज की बाउंड्री है सामने, अगर आज देखें जंपा का बॉल इतना स्पिन नहीं हुआ, हमारे स्पिनर भी स्ट्रगल दिमाग से बॉलिंग की, स्किड हो रहा था उसका गेंद, जिस पर जो बात आज की है ना वो क्रक्स है हर चीज का। बिल्कुल 4.3 ओवर्स बाकी थे, आप 62 रन से हारे, और जो समी ने बात की है अगर आप आराम आराम से विकेट हाथ में रखे चलते तो आप कर सकते थे, आखिरी 5 ओवर में आप कर सकते थे। बात यह है यार कि जो एक बैट्समैन जा रहा है, अगर उसको खुद समझ नहीं, आपने उसको कुछ बता के भेजना है ना, पता नहीं लग रहा है जा रहा है, कुछ पता नहीं समी, ऐसा लग रहा था ना कि आ रहा है जा रहा है। देखिए बाद ये कि पैनिक कर गया, जैसे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जब टोटल हो जाए तो ऐसा लगता है पैनिक हो गया, लेकिन बात वहीं आ जाती है टॉस पे। उस वक्त क्या नहीं पता था कि इतना बड़ा है, मतलब ये कि हाई स्कोरिंग गेम है, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो मतलब वहीं ना वहीं आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी। देखिए आप जंग में आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अगली टीम से, तो फिर ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप इंडिया के खिलाफ एशिया कप का मैच खेल रहे थे, दैट वॉज अ गेज फॉर यू, आपने 60 पे 4 आउट किए हुए थे, आपने 267 करवा दिए, ठीक है, उसके बाद आपके पास आपके खिलाफ ऑलमोस्ट 350 हो गया, फिर आप इंडिया से हार गए, तो आपको पता लग जाना चाहिए था अगर उन विकेट्स के ऊपर स्पिनर्स काम नहीं कर रहे तो फिर बॉलर्स की शॉर्ट कमिंग्स है, आपको देखना चाहिए था ना। एज ए चीफ सेलेक्टर अगर कप्तान इंसिस्टेंट है, आप कहते हैं बच्चे नहीं इस तरह नहीं इस तरह है, वो कहते हैं हम उसी कॉम्बिनेशन को रखना चाहते हैं जो खेल रहा है। क्या हुआ, पैसे किस चीज के ले रहे हैं? 8 लाख रुपए तकरीबन मिलते हैं एक वनडे के। नहीं, मैं चीफ सेलेक्टर। अच्छा, वो 25 लाख कहते हैं जी, सेम टीम जानी है, मैं मुझे क्यों लगा रहे हैं आप, एमी पैसे जाया करेंगे, कौम का खजाना भी क्यों खराब करेंगे, ये किसी प्लेयर को देते हैं या वुमेन क्रिकेट को देते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, आज आमिर सुहेल दिल से बात कर रहे हैं और इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ब्रेक की तरफ जाएं, हमारा एक सिलसिला है क्या आप जानते हैं, तो वो देखते हैं कि सवाल क्या है। जानते हैं क्या आप जानते हैं, सवाल ये कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच किस फील्डर ने लिए, रिकी पॉन्टिंग, सनत जयसूर्या, जो रूट और विराट कोहली? इसका जवाब हम प्रोग्राम के आखिर में आपको देंगे, आखिरी चंक में। इसके साथ ही हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। पोस्टमार्टम कर रहे हैं पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी का। पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी देखें, जिस अंदाज से लोगों का तकरर किया गया, जिस अंदाज से डॉन अखबार में स्टोरी भी छपी कि 60 से ज़्यादा लोगों का तकरर कर दिया गया, हालांकि 4 महीने के लिए ज़का अशरफ साहब को मैनेजमेंट कमेटी का सरबरा बनाया गया और 5 नवंबर को ये मुद्दत ख़त्म हो रही है। आमिर, जो डिसीजन लिए गए उनको आप कैसे देखते हैं? आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्ती के ये मतलब नहीं कि अगर गलत काम करो उसको आइडेंटिफाई नहीं करें। देखिए, कोई विजन होता है ना, अब विजन के मुताबिक लोगों को लेके आते हैं कि ये वाला बंदा मैं लेके आऊंगा, ये करेगा वो करेगा। जब इन्होंने टेक ओवर किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एशिया कप और वर्ल्ड कप, ठीक है। इलेक्शन जो है ना वो बात की बात थी, वो आपने गवर्निंग बोर्ड जो है बनाना है या जो भी करना है वो बात की बात थी। बात यह है कि ही गॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, सही, उनको पता ही नहीं था उनका रोल क्या है, विजन नहीं था, इसलिए भर्ती भी नाजायज की, सारा कुछ किया, और अब जो है आप कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो है ना उसको बर्दाश्त कर रहे हो। हम नहीं कर रहे, सारी कौम कर रही, सही। अब हमारी अभी भी दुआ है कि पाकिस्तान टीम जो है अगले मैच जीत के सेमीफाइनल में आए, लेकिन इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आएगी। अच्छा। वो लोगों की दुआओं से आएगी, अदरवाइज जो फैसले किए गए आप समझते हैं जो फैसले गलत थे उसकी वजह से भी नुकसान आपको नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है, आपको आपके पास गेज था अफगानिस्तान सीरीज, एशिया कप, उसके बाद आपको चेंजेस करनी थी, आप काइंड ऑफ प्रेशर में आ गए, वो लड़कों से जाके मीटिंगें शुरू कर दी, वहाँ पहले श्रीलंका में की, फिर उसके बाद जब अभी वहाँ गए अहमदाबाद तो वहाँ मीटिंग की, तो क्या एक चेयरमैन का काम जाके सिर्फ एनकरेजमेंट करना होता है या बाहर से वो सारे फैसले करें? देखें, जब आप खुद फैसले करने की सकत ना हो, सही, और फिर आप दूसरों के कहने के ऊपर अमल करेंगे तो फिर मसला तो होगा। अब जो उनके ऊपर एलिगेशन आ रहा है कि बेटा सारा कुछ करवा रहा है, वही चला रहा है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है ना, वरना हम समझ रहे हैं ज़का अशरफ साहब जब अब से 10 साल पहले थे इन्होंने बिग थ्री के खिलाफ स्टैंड लिया, बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे, लेकिन अब जब दूसरी बारी में आए तो एक्सपोज हो गए। देखिए, उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं, क्योंकि जो पुराना क्रिकेट बोर्ड जाने वाला है वो भी मैंने कहा ना कि वो माइन बिछा के गया था, लेकिन इनको अलर्ट होना चाहिए था, इनको फोकस रहना चाहिए था कि देखो मुझे 4-5 महीने का अगर टाइम मिला है तो मैंने पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज जो है बेहतर करवानी है, उसके बाद हर चीज इन प्लेस आएगी। हिज प्रायोरिटीज वर रॉन्ग, ठीक है, और उसका जो, ज्यादा भुगतना पड़ा, जो, 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 जो इनके ऊपर एलिगेशन है कि बेटे का इन्फ्लुएंस था, ये वो था, उसकी वजह से आप खुमियाजा भुगत रहे हैं। समी, कैसे कहेंगे, देखें 4 महीने का वक्त था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़का साहब आएंगे और वो बड़े, मतलब उसमें कोई शक नहीं है कि उन पर कोई माली बदनवानी का इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन ये तो उससे कहीं ज़्यादा है, जिस तरह के फैसले किए गए, जिस तरह से लोगों को नवाजा गया, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है। क्रिकेट की देखें, निकी आर्थर आए डायरेक्टर, वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज में सिर्फ वो आए कुछ मैचों के लिए, तो आप कैसे, तो बहुत कमजोर है ना आपका फिर, जी हाँ बिल्कुल, मतलब आपको पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला, एक बंदा आपको टाइम ही नहीं दे पा रहा आपकी टीम को, सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के मतलब कोचिंग हो रही है, ये कहाँ होता है दुनिया में आप बताएं, ये हमारे साथ हो रहा है, और आप एक्सपेक्ट करें, देखें अभी आप चेयरमैन को कह दें, चीफ सेलेक्टर को कह दें, भाई जो कोच है जो डायरेक्टर है वो भी तो 8 महीने से, उससे किसी ने नहीं पूछना कि आपने क्या किया, आप भी तनख्वाह ले रहे हैं, आपने उससे पूछना चाहिए ना चेयरमैन को, नहीं पूछा ना उन्होंने, अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब टूर्नामेंट जब खत्म हो जाएगी, मीटिंग हुई, वही मैं आ रहा था, मीटिंग हुई, बिल्कुल, बंदा बैठ के पूछता ना कि भाई आप इतनी देर से हो, आपने क्या इम्प्रूवमेंट लेके आओ, हमने आगे किस तरह चलना है, और यू आर बीइंग पेड फॉर दैट, यस, आप प्रोफेशनल है, बात यह है कि आप उससे बात करते, अगर वो कन्विंस आप उससे ना होते तो आप कहते भाई आप पाकिस्तान टीम से, आप डायरेक्टर रखा हुआ ना आपको, अब हम आपको अकेडमीज में या आप उसको कोटा भेज देते हैं ना, यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, लेकिन नॉट है, हाँ। ठीक है, बोर्ड की प्रोविजन है ना, बात यह है कि
आप जब लॉस्ट ट्रांसलेशन में होंगे ना तो फिर यही होगा, तो फिर मसला होगा। हाँ, मिस्टर हिल ने बड़ी सही बात की कि अगर आप अपनी इन अथॉरिटी को अगर आप नहीं मनवाएंगे और आप अच्छे फैसले नहीं करेंगे तो फिर नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ें जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद दोबारा जब ज्वाइन करेंगे तो मोहम्मद समी और आमिर सुहेल से मजीद बात करेंगे आज के इस मैच के हवाले से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। समी, पाकिस्तान 4 में से 2 मैचेस हार गया है, 2 निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैच जीता है, नेदरलैंड्स और श्रीलंका। आगे आप क्या देखते हैं? 23 को पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान से, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलना है, कैसे देखते हैं आगे के मैचेस? देखें इकबाल भाई, चांसेस तो हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से आउट हो गए अभी, लेकिन बात यही कर रहे थे हम कि पिछले 2 मैचों से जिस तरह खेले वो तरीका बहुत डिसअपॉइंटमेंट था कि हम लड़के नहीं हारे, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें हम, मैंने बात की कि बाकी टीमें फॉर्म में आती जा रही हैं, लेकिन हमारा जैसे जैसे वर्ल्ड कप होते जा रहा है हमारे लड़के आउट ऑफ फॉर्म होते जा रहे हैं। हालांकि उसको पी करना चाहिए, लेकिन वो उल्टा है हमारे लड़के। अगर आप स्पिनर की बात करें, अभी तक देखें सामा को चांस मिला है, शदाब है, नवाज है, तीनों सेट नहीं है। फिर फास्ट बॉलर की बात करें, हारिस रऊफ, हसन अली थोड़े से ठीक लगे, आज शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है। इसी तरह आप बैटिंग में देख लें, बाबर आजम खुद अभी तक नहीं परफॉर्म कर पाया उस तरह, तो काफ़ी सारे ये सवाल आते हैं। फिर आप देखें टीम मोरल ऐसे मैचों में लाजमी पता चलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, बॉडी लैंग्वेज एकदम गिर गया। देखें आज मार पड़ ली थी और बॉलर को पड़ेगी भी जिस तरह की ये कंडीशन है, लेकिन आपको कोई खिलाड़ी नहीं जा रहा कोई प्लान डिस्कस करने। देखें कप्तान ने, एज अ कप्तान आपको जाना पड़ता है, बाज़ोकात बॉलर के साथ काम करना पड़ता है, फिर उसको आके ग्राउंड में उसको ऑप्शन देने पड़ते हैं कि देखो ये नहीं ये कर लो या ये नहीं ये कर लो। आप बेहतर ऑप्शन देते हैं अपने बॉलरों को, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल छोड़ दिया गया है सबकी बॉडी लैंग्वेज। हमें ये अब पॉइंट टेबल की अगर हम पोजीशन देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया को 4th नंबर पर पहुँचवा दिया है, हालांकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स इक्वल हैं, लेकिन जो नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान से बेहतर है। अभी हमें बांग्लादेश से भी खेलना है आमिर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन 4 टीमों से हमें खेलना है अभी। देखिए अभी इंग्लैंड जो है वो 3 मैच खेला हुआ है जी, 2 पॉइंट्स हैं उनको, अभी भी आपकी फाइट है वहाँ पे। अभी ये जो 4 टीमें हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अभी इनका कंपटीशन है। ऊपर वाली 2 टीमें वो क्लियर हैं, अभी उनका आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये क्लियर हो जाएंगी, इंडिया और न्यूजीलैंड। ये 4 जो टीमें हैं ना इनकी फाइट है। अब ठीक है, आपने 4 मैचेस खेलिए, 4 मैचेस के बाद तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लग जाना चाहिए। सही, चलो आज के मैच में आप हार गए, डजंट मैटर। अब अगले जो आपके 5 मैच हैं उसमें आपने ये दिखाना है कि आपका जो सपोर्ट स्टाफ है वो इतने पैसे क्यों ले रहा है और उसको क्यों सिलेक्ट किया गया। उन्होंने प्लेयर्स को गाइड करना है कि हमने क्या करना है। हमने यहाँ पे बैठे हुए हर प्लेयर की आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ बता दी, इनको नहीं पता, इनको पता होगी, डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और 4 मैचेस खेलिए, अब इनको राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी बना के मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान जो है वो अगले 5 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे। देखिए अगले 5 मैचेस में से बड़ी तगड़ी टीम, न्यूजीलैंड से हमें खेलना है, हमें इंग्लैंड से खेलना है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, बांग्लादेश से खेलना है, और हमारा एक और मैच जो है वो अफगानिस्तान से। लेकिन एक चीज है, एक टूर्नामेंट में पाकिस्तान जो है एक आउट ऑफ फॉर्म टीम को जो है वो फॉर्म में लेके आती है, ऑस्ट्रेलिया को ले आए ना, ले आए। अब आप बाकी दूसरी को ना लाए, आप दूसरी को ना लाए, इंग्लैंड को ना लाए, इंग्लैंड से कोलकाता में मैच है हमारा। एग्जैक्टली, इंग्लैंड को आप जीते, बांग्लादेश को जीते, उसके बाद आपका अफगानिस्तान के साथ मैच है, यू स्टिल हैव अ चांस, लेकिन आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप डिपेंडेंट है कि अगली टीम जो है गद्दा खेलेगी तो और आप जीत जाए, अगली टीम हारेगी तो आप जीतेंगे, ये नहीं। अब आपने जीतना है। सही, समी आप क्या कहेंगे? अब जो अभी भी पाकिस्तान के 5 मैचेस हैं और जो सिंगल लीग की बुनियाद पर टूर्नामेंट है, सेमीफाइनल की उम्मीद अभी भी हम रख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान 2-3 मैचेस जीतता है तो पाकिस्तान का चांस बनेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। देखें कल जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। कल अगर इंग्लैंड विन करता है तो 4 टीमें हो जाएंगी 4-4 पॉइंट पे और 2 टीमें 8 पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं जाके तीसरी और चौथी टीम के लिए देखें ये फाइट करेंगे। लेकिन देखें बरिंग साइन ये है कि हमारा रन रेट ड्रॉप हुआ है, तो हमें अगले मैच जीतने भी हैं और कन्विंसिंगली जीतने हैं, तो ये चीज़ देखें काफ़ी है, बड़ा वैलिड पॉइंट इसने, बड़ा वैलिड पॉइंट। और दूसरी एक चीज़ नोट करें, आज ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता,
उनके सारे एरियाज कवर्ड नहीं है। आज भी उनकी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। उनके फास्ट बॉलर ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की शुरू में, बारिंग जांपा या स्टोइनिस या कमिंग्स ने थोड़े बहुत अच्छे बॉल किए। आप देखें उनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है कूट पड़ी है उनको, उसके बाद आप उनके जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं उनको भी जो है इंप्रेसिव नहीं है। सो ऑस्ट्रेलिया अभी भी कन्विंस नहीं कर रहा आपको कि दे आर अ बेटर टीम टू क्वालिफाई। सो आपका अभी भी चांस है अगर आप इंग्लैंड को पकड़ते हैं सही, और इंग्लैंड अगली किसी टीम से हारता है और ऑस्ट्रेलिया इज यू नॉट रेस्ट शोर्ड के ऑस्ट्रेलिया सारे मैच जीत जाएगा। सो पाकिस्तान इज स्टिल इन द हंट। बिल्कुल, पाकिस्तान अभी भी हंट में है। आमिर सोहेल ये कहते हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और पाकिस्तानी टीम से, पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। एक तो हफ्ते को जो भारत के खिलाफ मैच हुआ वो पाकिस्तान हार गया 7 विकेटों से, और आज लोग मुंतज़िर थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो गिरी हुई टीम है, जो कि अपने मैचेस 2 हार चुकी थी 1 मैच जीती थी, आज पाकिस्तान उसको जेर कर लेगा, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। इस पर हम बात कर रहे हैं। आमिर, अब पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए फॉर द अपकमिंग मैचेस? देखिए, एक तो आपको अपने कॉम्बिनेशन का एब्सोल्यूट पता होना चाहिए, ये केपेबल किस चीज़ के हैं, ऑपोजिशन को सामने रखें। अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये मेरे लिए ये कर देगा, ये मेरे लिए ये कर देगा, ये मेरे लिए ये कर देगा, नहीं काम चले, उस तरह नहीं होना। ऑपोजिशन को पहले सामने रखें। सही। आज आपको सबसे बड़ा गेज मैंने बता दिया है, एक लंबा लेग स्पिनर और वो मुंह पे और वो बाजू खोल के बॉल करता है। कौन सा बॉलर जो है वो अपना जो इस एल्बो में बेंड नहीं रखता जब एक्शन लेता है। जब इस तरह एक्शन लेते हैं ना, फिर जान आती है बॉल में। वो बाजू खोल के बॉल करता है और उसको आपने कह दिया कि आप फ्लाइट करो। जब लंबा बॉलर जो है फ्लाइट करेगा तो वो तो मुंह में गिरेगा। तो आपने यहीं से आपको पता लग गया कि कैपेबिलिटी क्या है। जब तक आपकी स्ट्रेटजी अगेंस्ट द ऑपोजिशन सही नहीं होगी, काम नहीं चलेगा, आपके लिए मुश्किल होगी। बॉलिंग को आप सॉर्ट आउट करो, बैटिंग आपकी करके दे रही है यार, आपको करके दे रही है बैटिंग। अगर आपके बॉलर जो है 260, 270, 280, इवन 290 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपकी बैटिंग इस तरह केपेबल है कि वो चेस कर सकते हैं। 345 हमने श्रीलंका के खिलाफ किया, 302 आज उसके किया। बाद इनको जो है सोचना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया आज क्यों जीता, उन्होंने लंबे रन्स कर दिए, हालांकि उनकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है लेकिन फिर भी जीत गया। आपने क्यों बैटिंग की बैटिंग करवाई जी उनको? पहले रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं, रन्स ऑन द बोर्ड प्रेशर लेके आते हैं। ठीक है समी, अब हमें स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए? अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है 23 अक्टूबर को चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में, वहाँ की पिच के बारे में कहा जाता है कि स्पिनिंग ट्रैक है। क्या उस मैच में हम 3 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं या हम नवाज को आराम करा सकते हैं? देखें, कम्बिनेशन और स्ट्रेटजी बाद में, लेकिन मेरे ख्याल में जो पीछे 2 मैच हारे हैं इससे मोरली बहुत ज़्यादा डाउन होंगे। फिर हमने देखें कल बात की थी, हमारे प्रैक्टिस पे 6 लड़के भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जाके टीम यूनिटी मुझे नज़र नहीं आई। तो क्यों हमें काम करना है, देखें पहले टीम यूनिटी को जब तक बैठ के खुद ही रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हमने कहाँ पुश करना है, थोड़ा सा एफर्ट करनी है, कहाँ हमारा वीक एरिया है, तो देखें हम तो बात करेंगे लेकिन उनको जब तक ये सारे नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक दूसरे की वीकनेस और खामियों पे काम नहीं करेंगे तो ऐसा चलते रहेगा। देखें आज भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना कहीं कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। तो अब सबसे थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल में तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा उसका मसला पैदा। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ समी से, ये जो यंग फास्ट बॉलर हैं एस्पायरिंग, अब हारिस रऊफ है, जब वो भाग के आते हैं उनके आखिरी स्टेप्स जो है ना बजाय लंबे होने के छोटे होने शुरू हो जाते हैं, इज दैट राइट? बिल्कुल जी, हाँ सही है, सही है। तो मॉर्निंग मॉर्कल काम होने चाहिए, मॉर्निंग मॉर्कल तो साथ है ना टीम के बॉलिंग को। दुनिया के जितने भी मर्जी फास्ट बॉलर देखें वो छोटे स्टेप्स के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे उनका रन अप बढ़ता है उनके जो स्ट्राइक है लंबे होने शुरू होते हैं। ये जब क्रीज के पास आना आपको आई थिंक 7 यार्ड के करीब आते हैं, इनके जो स्टेप्स हैं छोटे होना शुरू हो जाते हैं। जो पीछे से मोमेंटम आया हुआ है वो हैम्पर होता है और ये जोर लगाते हैं, इनको लगाना पड़ता है और कंट्रोल खत्म हो जाता है। समी, ये चीज अभी तक पिक नहीं की जा सकी, तो आप क्या करेंगे? समी क्या कहेंगे, टेक्निकल है थोड़ा सा फॉल्ट?
टेक्निकल काम जरूर होते हैं, लेकिन जिस तरह की ये बात कर रहे हैं ना, ये देखें ये चल रहा भी इवेंट, और फिर देखें एक्चुअली वफाद पहले बात करो जी हाँ जी हाँ पहले की, लेकिन आपके सामने जिस तरह के बॉलर हैं, आप एज अ बॉलर को चाहते क्या है कि वो फिट रहे पूरे साल और जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो करे। इनको प्रॉब्लम आ रहा है सेटअप का, माइंड सेट का। देखिए माइंड सेट नहीं है वनडे क्रिकेट के लिए कि आपको कहाँ प्रेशर देना है, कैसे सेटअप करना है। जी उस सेटअप पर बॉलिंग कर रहे हैं कि आए जोर लगाया और बैट्समैन आप पे कहीं भी चलाएगा और आउट हो जाएगा, तो ये सबसे पहले माइंड सेट चेंज करना। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और हमने आपसे एक सवाल पूछा था क्या आप जानते हैं, और वो सवाल कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कैच किस फील्डर ने लिए हैं। इसका सही जवाब है रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने सबसे ज़्यादा कैचेस वर्ल्ड कप के मैचेस में लिए हैं। इसके साथ ही जोश जगादे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।